पहले दिन से और 14 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वो कफ के प्रभाव में होता है। मतलब सीधा सा ये है कि बच्चे को बचपन में सबसे ज्यादा कफ के ही रोग होते हैं, सबसे बार बार सर्दी होगी, बार बार खांसी होगी, बार बार जुकाम होगा, बार बार गला दुखेगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, कान में दर्द होगा, ये सब होगा। तो सबसे ज्यादा बचपन जो होता है कफ के प्रभाव में, फिर 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके लगभग 60 वर्ष की उम्र तक, आज के जमाने में ये 60 वर्ष कम हो गया, 40 तक ही हो गया, पुराने जमाने में ये 60 तक होता था। 14 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो पित्त के प्रभाव में होता है। माने 14 साल से लेके 40 साल तक जितने भी रोग होंगे 99% वो पित्त के। ये 40 साल मैंने किया, आयुर्वेद तो 60 साल की बात करता है, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो बात के हैं 40वीं उम्र से। 40 की उम्र में ही उनको घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द सब शुरू। मॉडर्न एज है, आधुनिक जमाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिगड़ा हुआ। तो 40 की उम्र से हम शुरू करें और जीवन के आखिरी दिन तक सबसे ज्यादा बात का असर होगा। माने 40 के बाद के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उम्र के आखिरी दिन तक तो आपको सबसे ज्यादा तो बात के रोग होंगे 40+, पित्त के होंगे 14+, 14+, और कफ के होंगे 1+ या 0+, जो भी। इतनी मोटी बात के बाद अब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र पर। ये भूमिका मुझे बनाना इसलिए जरूरी था कि मोटी जानकारी हमारे अष्टांग हृदय में भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात पित्त कफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और कौशल है। सारी जिंदगी आपको एक ही काम करना है, प्रयास पूर्वक कि हमारा वात, हमारा पित्त, हमारा कफ हमेशा से सुरक्षित रहे, नियमित रहे, संतुलित। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे, जितना चाहिए उतना तो जितना चाहिए उतना वात पित्त कफ हमारा रहे। तो इसके लिए क्या करना है, वो 7000 सूत्र है, उसमें से पहला सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सूत्र का मतलब क्या है और इसका असर कितना मिलेगा। वात पित्त कफ को जीवन भर संतुलित रखना है तो उसका पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। इतना सही सूत्र है, कभी भी जीवन में खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। लिख लिया आपने, चलिए अब इसको समझते हैं। क्या कहा ये भागवत जी ने, खाने के बाद पानी नहीं, तुरंत पानी नहीं। अब आप इसको उल्टा करके देखिए कि हम तो रोज यही करते हैं। मैंने 100 में से 99 लोगों को देखा है कि वो पानी लिए बिना खाना नहीं खाते, पानी पहले होता है कि उन्हें बाद में होता है। बहुत सारे लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, 2-4 रोटी के टुकड़े खाए फिर पानी पीते खाए फिर। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में भागवत जी बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं कि पानी ही नहीं पीना खाने की जरूरत है। कारण क्या है, बात क्या है, क्यों नहीं पीना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम पानी क्यों ना पिए खाने के बाद, क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे पेट की ताकत। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लस्सी पिया, कुछ भी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये पेट को ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे के लिए ट्रांसफर करता है। आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पेट आपके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। कभी आप
एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का कोई कैलेंडर आजकल आते हैं शरीर विज्ञान, जिसमें शरीर के एक एक अंग को दिखाया जाता है। एक कैलेंडर खरीद लीजिए 10-15 रुपए का आएगा, घर में टांग कर रखिए। उस कैलेंडर में आपको बताया जाएगा आपका पेट में जो नाभि स्थान है उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक स्थान है, उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय उसी स्थान का एक दूसरा नाम है जठर, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। आमाशय, जठर, एपिगैस्ट्रियम, ये एक ही स्थान के तीन नाम, एक अंग्रेजी में है, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में। पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे नहीं, एपिगैस्ट्रियम। तो हमारे क्या कहते हैं पित्ता पंजाबी में, मैदा कहते हैं, ठीक है, जो भी आप कहते हैं। ये स्थान हमारे शरीर का सबसे महत्व का स्थान है, एपिगैस्ट्रियम या आमाशय या जठर, क्योंकि सारा खाना इसी में आता है। ये एक थैली की तरह से होता है, बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आता बड़े व्यक्ति। तो हम कुछ भी खाते हैं सब कुछ ये आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है, ये भगवान की व्यवस्था है जो शरीर में है, तुरंत इसमें आग जल जाती है, अग्नि। आमाशय में अग्नि होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठर अग्नि, जठर। ये जो जठर अग्नि है ये आमाशय स्थान में प्रदीप्त होने वाली अग्नि है, आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग, आपकी रसोई गैस है ना एलपीजी सिलेंडर से जो कनेक्टेड है स्टोव, आपने स्विच ऑन किया आग जल गई, ऐसे ही पेट में जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत आग जल गई, ये ऑटोमेटिक है। रोटी का पहला टुकड़ा आपने मुंह में डाला, इधर आग जल गई, जठर। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है, डाइजेस्ट। आप खाना खा रहे हैं, अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, डाइजेस्ट कराती है। वो ऐसे ही कराती है जैसे रसोई गैस, आपने रसोई गैस में जो स्टोव है उसका स्विच ऑन कर दिया, आग जल गई, अब इस पर आपने दूध रख दिया, थोड़ा चावल डाल दिया, तो जब तक अग्नि जलेगी तब तक खीर बने। इसी तरह से आपने पानी रख दिया, चावल डाल दिए, अब जब तक अग्नि जलेगी चावल पकेगा। आपने पानी रख दिया, दाल डाल दिया, घटाघट पानी दे दिया और खूब ठंडा पानी दे दिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल उतार दिया। अब होने वाला एक ही काम है, जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में, एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का माने है पचना। अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा, आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूं। आपकी आग जलेगी खाना पचेगा, खाना पचेगा तो रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस में से मांस बनेगा, मांस जिसको आप फ्लैश कहते हैं, उसी रस में से मज्जा बनेगी, फिर उसी रस में से रक्त बनेगा ब्लड, फिर उसी में से वीर्य बनेगा, फिर उसी में से हड्डियां बनेगी बोन्स, फिर उसी में से मल बनेगा एक्सक्रीटा स्टूल, फिर उसी में से मूत्र भी बनेगा। तो मांस मज्जा रक्त वीर्य मल मूत्र अस्थि और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये कब होगा, जब खाना पचेगा तब। और आप जरा ध्यान से सुने इन शब्दों को, मांस की जरूरत है हमको, मज्जा की भी जरूरत है, रक्त की भी जरूरत है, वीर की भी जरूरत है, अस्थि भी चाहिए, मेद भी चाहिए, ये सब हमें चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए। तो मल और मूत्र तो बनेगा जरूर, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए नहीं, तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा, मल को भी छोड़ेगा मूत्र को भी छोड़ेगा, बाकी जो चाहिए शरीर उसको धारण करेगा।
खाना जब हजम होगा पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि भेद बनेगा। मल मूत्र की जरूरत नहीं है, शरीर उसको छोड़ देगा। बाकी सब चीजों की जरूरत है, शरीर उसको धारण कर लेगा। ये एक है। दूसरी तरफ क्या होगा, आग नहीं जलेगी, आपने घटाघट पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे। तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद, उसका नाम है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ मुझे वो तकलीफ, तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस करके कहता आपको यूरिक एसिड बन रहा है। तो वो आपको कहता ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, यूरिक एसिड कम करो। ये विष है यूरिक एसिड, और ये इतना खतरनाक विष है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया या बंद नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके, टोटली बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे ही आपको पड़ा रहना पड़े, पेशाब भी बिस्तर पे निकले और आपको संडास भी बिस्तर पे ही करनी पड़े। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए खराब विषय है, अच्छा नहीं है, नहीं बनना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूं, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही और एक विष बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर अक्सर आपको कहता आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, डॉक्टर कहता हाई बीपी है, फिर आप पूछोगे कारण बताओ तो कहेगा आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत है। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, आप और ज्यादा डीप पूछेंगे तो कहेगा LDL बहुत है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इससे भी ज्यादा खराब और एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो भगवान भी नहीं बचा सकता, कितनी खराब स्थिति है शरीर। और एक उदाहरण देता, खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं, उन जहर के कुछ नाम हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके कहता कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL के नाम से, VLDL के नाम से कहे या ट्राइग्लिसराइड, समझ लीजिए ये सब विष हैं। और ऐसे विष 103 हैं, मैंने आपको चार पांच नाम लिए। ये सारे विष तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता, खाना सड़ता है। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं तो एक ही मिनट में डायग्नोस कर लीजिए आपके खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा है, क्योंकि खाने के पचने पर इनमें से कुछ नहीं बनता। खाने के पचने पर बनता है मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि मेद, ये सब पचने पर बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, ये सब बनते हैं और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है, जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी नहीं। रसोई में आग नहीं है आप कुछ नहीं बना सकते, पेट में आग नहीं है कुछ नहीं पचा सकते। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। आपने क्या खाया, कितना खाया, ये इमेटीरियल है। कोई कहता मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये इमेटीरियल है। पचाया कितना उसमें से, वो मटीरियल है, वो महत्व का है। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छा है, और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, बहुत बेकार, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब। 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब। अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना महत्व का नहीं, खाने को पचाना, और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा, इसका मतलब
खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे, तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर मलमूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना। कितनी देर तक? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, यही सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है, बात तो अभी समझ में आ गई कि खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना, लेकिन कितनी देर तक। अब ये जो देर वाला किस्सा है इसको समझ लें, हम जब खाना खाते हैं उसके पचने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था ये है कि जो कुछ आपने ठोस खाया और द्रव खाया, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचड़ी बनता है, उसको पेस्ट कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी में कहें तो खिचड़ी। तो आपके शरीर में खाया हुआ सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में मिक्स होता, पेस्ट बनता है। ये पेस्ट बनने की अवस्था 1 घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में, और 1 घंटे 30 मिनट तक ही अग्नि भी जलती है पेट में। अग्नि का सबसे बड़ा काम है खिचड़ी बनाना, सॉलिड और लिक्विड को मिला के उसको पेस्ट में बदल देना, यह अग्नि का मुख्य काम। 1 घंटे 30 मिनट के बाद अग्नि अपने आप कम हो जाती है, बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके खाने का रस बनना शुरू होता है। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा तभी उसमें पानी की जरूरत आएगी। आपको अगर मैं ये कहूं कि आम का रस बनाइए, तो आम का छिलका उतारेंगे, फिर उसका पल्प निकालेंगे, चूरा निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे, तभी रस तैयार होगा। वो पानी चाहे दूध के रूप में मिलाए या सीधे पानी मिलाए। चीकू का मैं कहूंगा आपको रस निकालिए, तो आप वही करेंगे, पल्प निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे। जब भी रस निर्माण होता है बिना पानी के नहीं होता, तो पेट में भी रस का निर्माण बिना पानी के नहीं होने वाला। तो जब 1.5 घंटे के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है, कुछ ही लोग हैं, बाकी सबको नहीं बनता। जो लोगों को 1 घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क पर रिक्शा खींच के ले जाते हैं, हाथ गाड़ी लेके जाते हैं, जो बहुत मेहनती लोग हैं उनको पेट में खाना खाने के 1 घंटे में ही रस बनने लगता है। तो वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं, लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं कम मेहनती हैं, हमको 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है। तो क्लियर हो गया, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। और 1.5 घंटे के बाद कितना पानी पीना है, जितनी इच्छा करे उतना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास, आपकी जितनी कैपेसिटी है पीने की, जितनी प्यास लगी है उतना आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा। अब ये तीसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल ये आ गया कि खाने के पहले पी सकते हैं क्या, खाने के बाद का तो समझ में आ गया 1.5 घंटे में, खाने के पहले वाली बात समझनी है। खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है। खाना खाने से 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले। आप बोलेंगे ये 48 मिनट का क्या कैलकुलेशन है, 1 घंटा क्यों नहीं कहा मैंने, 48 मिनट क्यों कहा, 50 मिनट भी कह सकता था। बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मुंह में जाता है और बाद में सभी अंगों में जाता है, मांस में भी जाता है, मज्जा में भी, सब जगह जाता है, रक्त में भी जाता है, और अंत में पानी जो सरप्लस होता है माने जरूरत से ज्यादा होता है शरीर को, वो मूत्र पिंड में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप यूं मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मुंह में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और वो मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना, तभी खाना खाना। माना खाने के पहले 48 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो खाने के पहले पानी पीना है तो 48 मिनट में, खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे में। अब आखिरी प्रश्न आएगा खाने के बीच में। बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है तो पी सकते हैं 1 या 2 घंट। वो इमरजेंसी मजबूरी क्या हो सकती है, मान लो खाना खाते खाते गले में फंस गया, अब मजबूरी आ गई,
तो आप पानी पी सकते हैं, एक सिप या दो सिप, ठीक है। और एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या, तो भी आप एक दो सिप पी सकते हैं। और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप दो अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। दो अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की, और चावल भी खाना है आपको, चावल एक अन्न है, गेहूं दूसरा अन्न है, मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा है, बाजरी की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा है, ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार एक अन्न है, चावल दूसरा है। तो जब भी दो अन्न का खाना आप खाते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना, अनिवार्य है। नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना जाए? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने से पहले एक दो सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव है, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। तो इसलिए एक दो घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो एक दो सिप से ज्यादा नहीं है। इस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए तीन कंडीशन मैंने बताई, या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है, लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले दो तीन सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है हमको समझ में आ गया खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पियेंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं, और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं। तुरंत, हाँ उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है, आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम। मूंगफली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड़ कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है। मूंग की दाल किन दिनों में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, उसके भी टाइम फिक्स है। अरहर की दाल, तुअर की दाल कब खानी चाहिए, माँ की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इसी के साथ हजार सूत्र है, लेकिन आप घबराइए मत, इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20-25 या 50 सूत्र ही बताने वाला हूँ जी। पानी कैसे पीना, हाँ मैं बता रहा हूँ, सेकंड सूत्र उसी पे है, एक सूत्र पूरा हुआ है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए इसलिए कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं है, डेढ़ घंटे बाद पीना है। खाने के पहले पीना है तो 48 मिनट में पीना है, खाने के बीच में पीना है तो तब पीना है जब दो अन्न का खाना खाए या कोई मजबूरी आ जाए, खांसी आ गया या गले में खाना फंस गया। और खाने के तुरंत बाद दूसरी कोई चीज पीनी है पानी को छोड़कर, तो लस्सी पीनी है, दूध पीना है और जूस पीना है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद,
जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पिएंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा, क्योंकि दोपहर के समय हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। सुबह खाए तो नुकसान तो अच्छा? नुकसान थोड़ा हो सकता है। कब होगा? जब आपकी उम्र 40-45 क्रॉस कर जाएगी। 40-45 तक तो क्या मैंने बताया, पित्त का प्रभाव है। पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जो दूसरे सबको कंट्रोल कर लेता है। तो उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। जो दो दो गिलास लस्सी पीते हैं ना वो काम भी बहुत करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं। उनको अभी बोलो कि 5 एकड़ का खेत जोतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आधे एकड़ में ही बैठ जाऊंगा। तो जो गांव में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजें एक्सेप्शन में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद के नियम की बात कर रहा हूं। जो बहुत श्रम करते हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो अभी हम इतनी इसी बात पे अपने को केंद्रित करें। दूध पिएंगे रात को, लस्सी पिएंगे दोपहर को, जूस पिएंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त होते हैं। तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सवेरे जूस पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, अशोक भाई का सवाल है, मैं एक मिनट, आपका सवाल है बहुत जेन्युइन है। हम पटियाला में हूँ या जलंधर में, लुधियाना में हूँ या दिल्ली में, ज्यादातर घरों में मैंने भी देखा है माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तो दूध पिला के भेजती है। ये जितनी माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं दूध पिलाकर, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको जूस पिलाकर भेजें। बच्चे ठीक ही कहते हैं, दवा नहीं पीना चाहते। हाँ, इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, आप जबरदस्ती पिलाते हैं। सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूध पीने की इच्छा नहीं होती, आप मार के पीट के जबरदस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं। इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि पेट में एंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने वाले, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो वो सही है, इच्छा नहीं होती उसकी, तो आप उसकी इच्छा का सम्मान करिए। बस उसको सवेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजिए। जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजिए। सवेरे का समय फल और जूस के लिए आप फिक्स कर दीजिए। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटते हैं तो दही का समय फिक्स कर दीजिए। आप उनको दही खिलाइए, लस्सी खिलाइए, मट्ठा पिलाइए, जो पीना, और शाम का समय फिक्स कर दीजिए दूध का। ये जो नाश्ते में हम चाय कॉफी लेते हैं, एक मिनट उस पर मैं आ जाऊंगा, एक ही मिनट लगेगा। पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सबको, बोलिए। छोटे बच्चे दूध मांगते हैं। देखिए मैं एक एक खुद ही करने जा रहा हूँ, आप एक मिनट के लिए बस शांत रहें, धैर्य रखें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ये जो नियम है जो मैंने बता दिया ये सामान्य लोगों के लिए, ठीक है? अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। मैंने आपसे कहा ना हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होता है। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर है, लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक, कई बच्चे 3 साल की उम्र तक माँ के दूध पर निर्भर, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। भागवत जी ने आगे इसी नियम को एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है उन बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होता। माने उनको एक्सक्लूड करके आप बात करें। माँ के दूध पर निर्भर बच्चों को तो जब भूख लगेगी उनको दूध पीना है, क्योंकि उनके शरीर में 3 साल तक तो दूध वाले ही एंजाइम्स हैं।
दही वाले एंजाइम्स तो 3 साल के बाद बनना शुरू होते हैं उनके। दाल सब्जी आदि आदि को पचाने वाले एंजाइम्स 1.5-2 साल के बाद ही बच्चों के शरीर में आना शुरू होते हैं। उसके पहले तो सिर्फ दूध के ही एंजाइम्स हैं उनको पचाने के लिए। तो जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं, उनको छोड़कर सभी के ऊपर ये नियम लागू होगा। कहते 5 साल या 5 से 15 साल की उसे रात को दूध नहीं देना चाहिए, वो बेड बैठिंग करेंगे। अब ये जो बेड बैठिंग है ये डिसीज है। बेड बैठिंग जो है, रात को बिस्तर में पेशाब करना, ये बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा। दही जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है, और दूध जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो जो क्षारीय चीजें हैं, इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं, जितनी क्षारीय चीजें हैं वो सब आप सूरज डूबने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत काम करती है। और जितनी अम्लीय चीजें हैं, एसिडिक, वो सब सूरज निकलने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत लाभ करती है। अम्लीय माने एसिडिक, थोड़ी खट्टी, दही थोड़ा खट्टा होता है ना, हल्का खट्टापन उसमें आता है, कितना भी ताजा हो तो भी हल्का खट्टापन उसमें होता है। तो हल्की खट्टी, ज्यादा खट्टी, रस वाली, ये सब चीजें अम्लीय हैं। और जिनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है या नॉर्मल होता है, जैसे पानी जैसे दूध, वो नॉर्मल स्वाद के हैं और बाकी सब कसैली चीजें हैं। तो ज्यादा कसैली चीजें सब क्षारीय हैं, एल्कलाइन है। तो क्षारीय चीजों को खाने के लिए आयुर्वेद कहता है रात का समय सबसे अच्छा, सूरज डूबने के बाद। और अम्लीय चीजें खाने का सबसे अच्छा समय है सूरज उगने के बाद। तो दही का, फल का, सबका समय शुरू होता है सूरज उगने के बाद। दूध का समय शुरू होता है सूरज डूबने के बाद। आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर चले। पानी का ही दूसरा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, लिख लें पहले, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन इसका मैं करूंगा। पानी हमेशा जी, चाय की बात हो, चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले। चाय ही चाय के बारे में एक जानकारी दे दूं मैं। चाय जो है ना, आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए बता। अंग्रेज आए थे जब इस देश में, तो चाय का पौधा साथ में लाए थे। और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, उन स्थानों पर, पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए, तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं। 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बगान लगाए, उन्होंने अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए। चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है। और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, चाय उनके लिए जहर है। बता रहा हूं ना, आगे बढ़ते हैं। चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है लो बीपी वालों के। लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से, सभी अंग्रेजों का बीपी लो है। सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है? बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में, उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। एक चीज, तनाव टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूँ, अभी एक बात पूरी हो जाए। अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है, साल में 6 महीने सूरज नहीं, इतनी ठंड है। और आप अगर उनके यहाँ टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो -40 उनकी लोएस्ट रेंज है, -40, ऋणात्मक रूप से 0 से भी नीचे 40 डिग्री, 0 से भी नीचे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये टेम्परेचर उनके यहाँ 6 महीने रहता है, सूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों। ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख लें, मैंने किया एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया,
बर्फ मंगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है ना वो मंगाई, और चारों तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गया। लेटने से पहले मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया। 3 मिनट के बाद ही मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया। 3 मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए, ऐसी हालत हो गई। 8-10 मिनट में ही मुझे बर्फ से बाहर आना पड़ा, फिर बीपी चेक किया। मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना लो था, इतना लो था। फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज्यादा बेचारे तो अंग्रेज हैं जो बर्फ की सिल्लियों में 6 महीने रहते हैं। चारों तरफ बर्फ रहती है, छत पे बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ रहती है, इधर बर्फ रहती है, उधर बर्फ रहती है। इतनी बर्फ होती है कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती हैं। फिर उनको स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है बर्फ को तोड़ने का। सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बर्फ तोड़ने में खर्च होता है, कनाडा अमेरिका वगैरह। तो वो लोग सच में बर्फ में ज्यादा रहते हैं, ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए, अगर बीपी लो हो गया, इतनी ठंड पड़ गई, स्टिमुलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए। तो चाय उसमें सबसे अच्छी है, दूसरे नंबर पे कॉफी। तो चाय और कॉफी उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं। और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याख्यान दूंगा तो लोगों से कहूंगा चाय पियो, कॉफी भी पियो, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है। आपको अगर मैं लेक्चर करूंगा तो आपको बोलूंगा आप मत पियो, क्योंकि आप इतने बर्फ वाले इलाके में नहीं रहते। आपके यहाँ थोड़ी ठंडी है, वो भी साल में 10-15 दिन की है। वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर आपके गलने लगते हैं, टेम्परेचर -0 या 0 के नीचे आ जाता, तब आपके यहाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इज टी टाइम, ये सबसे खतरनाक। सुबह उठते ही चाय पीना, कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तब तो पॉटी भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत खतरनाक, ये तो बहुत खतरनाक। इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर लो बीपी आपको नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा, और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा। फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ, और जिंदगी भर चाय भी पियो, जिंदगी भर गोलियां भी खाओ। वो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां बिकेंगी तो उसको भी कमीशन मिलने वाले। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। दूसरी एक जानकारी और दूं कि आपका पेट बहुत अम्लीय होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम गर्म देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल एसिडिटी से थोड़ा ऊपर रहता है, ठंड वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत नीचे रहता है। माने उनका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी अगर हम नापें यूरोप और अमेरिका के लोगों की और हमारे ब्लड की एसिडिटी नापें, दोनों में अंतर है। अगर हम पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी कभी 7.2, कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में, लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो +8 और 8 के आगे रहता है। तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ा सा एल्केलाइन है यूरोपियन लोगों, और चाय एसिडिक है, तो एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा एसिडिक करने में चाय उनको मदद करती है, इसलिए उनके लिए वो मेडिसिन है। हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा एसिडिक है और पेट भी हमारा एसिडिक है, और हम चाय पी के और ज्यादा एसिडिक उसको बनाते हैं, और ज्यादा अम्लीय बनाते हैं, तो जीवन का सर्वनाश करते हैं। इसलिए चाय आपके लिए नहीं है। और मैं एक आखिरी जानकारी आपको दे दूं, भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं। जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सर्कमफ्रेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है। और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं है, क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है, जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है,
पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं। अब एक और छोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा ऑब्जर्व करें, वो चाय पीते हैं क्या? मैंने बहुत पिला के देखा है, नहीं पीते। कोई पक्षी चाय नहीं पीता, कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता, मेरे घर का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता, वो भी मुंह इधर उधर कर देता। चाय रख दो इधर उधर करेगा, दूध रख दो फट से पी जाएगा, फट फट फट, एक मिनट नहीं लगता। बिल्ली को पिला के देखा, कुत्ते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना सेंस है। हम तो इतने सेंसलेस हो, अपने को समझते तो बहुत होशियार हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है, सेंसलेस हो। तो आप थोड़े सेंस में वापस आइए, चाय कॉफी छोड़िए। फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा, स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूं चाय छोड़ने का। स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी। चाय पीकर आपने क्या किया, आपके ब्लड को एसिडिक बना लिया, अम्लीय बना लिया, अब इसको वापस आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है अर्जुन छाल का पाउडर, उसका काढ़ा बना के पीजिए। चाय जिनको छोड़ दीजिए, घर आए वाले को सत्कार कैसे करें, वो बोलेगा क्या छाल का पाउडर दे रहे हो? बहुत अच्छा। शुरुआत तो हमें करते हैं चाय के। आप जो है जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिन्होंने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का, वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है अर्जुन छाल। आप जानते हैं अर्जुन छाल कहीं भी मिलती है, 35-40 रुपए किलो की है, बहुत सस्ती है। चाय तो 150 रुपए किलो है, ये तो 35-40 रुपए किलो है। स्वामी जी का यहाँ अगर केंद्र होगा, सेवा केंद्र, वहां से ले लीजिए। अर्जुन छाल का पाउडर मिलता है, उसको काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाना आप सब जानते हैं, पानी में डाल के उबाल दीजिए, थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होता है। टेस्ट उसका चाय का ही जैसा है और रंग भी चाय के जैसा है। उसमें दूध भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी जो भी डाल के, और उसको पी लीजिए लगातार। 15-20 दिन आपने पी लिया तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूं चाय छूट जाएगी। और चाय पीकर जितना नुकसान आपने कर लिया वो सारा नुकसान उससे कवर हो जाएगा। आपके ब्लड में एसिडिटी कम कर देगा और आपके ब्लड को एल्किलाइन कर देगा। और मजे की बात यह है कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने लगते हैं, और ब्लड की एसिडिटी घटते ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब घटने लगते हैं। माने हार्ट अटैक से बचना है तो भी अर्जुन की छाल ही चाहिए आपको। तो चाय का सबसे अच्छा विकल्प है। और एक अच्छा विकल्प है, अर्जुन की छाल बहुत क्षारीय है, एल्किलाइन है, ऐसी कोई भी चीज जो एल्किलाइन है वो आप पीना शुरू कर दीजिए चाय के विकल्प के रूप में। जैसे जीरा है ना, जीरा बहुत एल्किलाइन है, जीरे का काढ़ा बनाइए। जीरे का काढ़ा कैसे बनता है, जीरा पानी में डालिए, उबालिए, थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और थोड़ा उसमें पुदीने का पत्ते का चटनी वटनी मिला दीजिए, ये बहुत एल्किलाइन हो जाता, फिर इसको पी लीजिए चाय की तरह से। ऐसे ही आपके घर में अजवाइन है, अजवाइन बहुत एल्किलाइन है, बहुत क्षारीय है, एल्किलाइन का काढ़ा बना लीजिए, अजवाइन का काढ़ा बना लीजिए, गुड़ मिला के और जीरा भी डाल सकते हैं उसमें, धनिया पत्ता पुदीना पत्ता दोनों एल्किलाइन है, उनकी चटनी डाल दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होगा। तो ऐसे बीसियों तरह के काढ़े हैं। एक हमारे भारत देश में गायत्री परिवार नाम की बड़ी संस्था है, उनका एक प्रज्ञा पेय आता है, वो भी बहुत एल्किलाइन है, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है दिव्य पेय, वो सभी एल्किलाइन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उन्होंने एल्किलाइन चीजें उसमें रखी है, वो दिव्य पेय चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना? और अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको आप कहते हैं अतिथि तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते, देवताओं को तो अमृत ही पिला सकते हैं ना, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके अतिथि राक्षस हैं कि देवता हैं। अगर आप मानते हैं कि वो राक्षस हैं, खूब चाय पिलाइए, खूब कॉफी पिलाइए, जल्दी मार डालिए उनको। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो देवता है, तो बिल्कुल चाय मत दीजिए, बिल्कुल कॉफी मत दीजिए, दिव्य पेय दीजिए और झुनकी छाल का पाउडर दीजिए, जिंदा रखिए उनको, ये आप तय करिए। आप छोड़ता हम दूसरे सूत्र की तरफ जा रहे थे,
फिर से उस जी हाँ बहुत अच्छा सवाल। जिनको सुबह जूस पीने से कोल्ड होता है, बस इतना सा छोटा काम करें कि जूस में काला नमक डालें। काला नमक आप सबके घर में, तो कभी कोल्ड नहीं होगा। दूसरा, जूस में थोड़ा सा अदरक का रस डाल दें, कभी भी कोल्ड नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी, जूस में थोड़ा चूना डाल के पिए, जिंदगी में कभी भी कोल्ड नहीं होगा। मात्रा बहुत थोड़ी सी, काला नमक होगा तो कनक के दाने के बराबर काला नमक, एक गिलास जूस में। चूने की मात्रा भी कनक के दाने के बराबर एक गिलास जूस में। और अदरक, अदरक का रस अगर एक गिलास दूध है सॉरी जूस है तो चौथाई चम्मच अदरक का रस। तो या तो अदरक का रस मिला लें, नहीं तो काला नमक मिला लें, नहीं तो चूना मिला लें। जिनको जूस पीने से कोल्ड होता है, सर्दी होती है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए। हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पे बात करें। पानी को हमेशा, ये दूसरा सूत्र आप लिख लिया, शायद नहीं लिखा तो फिर रिपीट कराओ। पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, सिप सिप करके पीना, ये है दूसरा सूत्र। कभी भी पानी घटाघट नहीं पीना, एक साथ मुंह में लोटा लगा के घटाघट घटाघट, ये बहुत खराब तरीका है पानी पीने का। पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गर्म दूध पीते हैं, एक सिप लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा सिप, फिर रुकना, फिर तीसरा सिप, ऐसे पानी पीना। आप पूछेंगे क्यों पीना है, समझ लीजिए इस बात को, क्यों पीना है। बात ऐसी है, थोड़ी देर पहले से चर्चा चल रही है, हमारा जो मुंह है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। किसका? लार का। लार जिसको अंग्रेजी में आप स्लाइवा कहते हैं, और एक अंग्रेजी में सैलीवा भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, सैलीवा, स्लाइवा, लार। ये लार का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है मुंह, और ये 24 घंटे काम करता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे है ना हॉलीडे है। दिवाली, दशहरा, हमेशा ये प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहती है। रात को आप सो जाते हैं तो भी ये फैक्ट्री चलती रहती है, और ये फैक्ट्री इतनी लार बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। लीटर में नापेंगे तो एक दो नहीं दसियों लीटर एक दिन में 24 घंटे। तो ये लार बनाने का काम मुंह में चलता रहता है, जीभ उसमें सबसे ज्यादा मदद करती है। जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियां हैं, वो भी काम करती हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि मुंह में 100,000 लार ग्रंथियां हैं। 100,000 100,000 लार ग्रंथियां हैं मुंह में, और ये रात दिन काम कर रही है तो लार बन रही है। अब ये जो लार बनती है हमारे मुंह में, ये पूरी तरह से क्षारीय है, एल्कलाइन है, पूरी तरह से एल्कलाइन। कभी भी आप इसको मुंह से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं, लिटमस पेपर, ये एल्कलाइन है। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, और पेट की फैक्ट्री भी चालू रहती है हमेशा अम्ल बनाने की। एपिगैस्ट्रियम में अम्ल बनता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम सब। तो पेट में बनता है अम्ल एसिड, मुंह में बनती है लार एल्कलाइन। ये लार है एल्कलाइन और अम्ल है एसिडिक, ये दोनों मिक्स हो तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मुंह की लार जाकर मिलती रहे, ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, नॉर्मल रखे, एसिड बढ़ने ना पाए। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी, लार बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, ये हमारे शरीर में चलता रहता है। इसलिए कहा यह गया है कि पानी को अगर आप घूट घूट कर पी रहे हैं, सिप सिप करके पी रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में लार अंदर जाएगी, और एक साथ घटाघट पानी पी रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी लार अंदर जाएगी। एक गिलास पानी आपने 2 सेकंड में खत्म कर दिया तो थोड़ी सी ही लार जाएगी, लेकिन उसी एक गिलास पानी को 3-4 मिनट धीरे धीरे पिएंगे तो ज्यादा लार जाएगी। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया आयुर्वेद में कि एक सिप पानी मुंह में भरना, फिर उसको घुमाना चारों तरफ, और घुमा के फिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए, फिर पीना, फिर 1-2 मिनट वेट करना, 1-2 मिनट में फिर उतनी लार बन जाएगी, फिर पानी को मुंह में लेना, फिर घुमाना, फिर पीना। ये तरीका आदर्श है, आइडियल है, ऐसे पानी पीना। आप बोलेंगे फायदा, फायदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार लार अंदर गई तो पेट का एसिड आपने न्यूट्रल कर लिया। जिनका एसिड न्यूट्रल होता है उनको लाइफ में वात, पित्त, कफ तीनों न्यूट्रल रहते हैं, बढ़ ही नहीं सकते, घट भी नहीं सकते, और जिंदगी भर आप निरोगी रह सकते। ये इतना पावरफुल सूत्र है कि सिर्फ पानी को घूट घूट करके पीना।
मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, वहां पर दो साइंटिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया, वो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे। 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर, वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं, वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में हुआ, माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उसको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस पे लग जाता। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया। वो थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लेंसेट, उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कॉन्टेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का, तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है। और दूसरी जानकारी ये कि जब आप खूब ज्यादा पानी को मुंह में घुमा घुमा के पीते हैं और खूब सारा सलाइवा या सलीवा या लार आपके पेट में जाता है और पेट के एसिड को बैलेंस रखता है, तो रक्त का एसिडिटी बढ़ नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में रोग आने का चांस होता नहीं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पे किए जिनको मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनको मोटापा बहुत है, वजन उनका 150 किलो है, 160 किलो है, 170 किलो है। उनमें से कई की नौकरियां चली गई हैं सिर्फ इसलिए कि वजन बढ़ा है। उनको पिंक स्लिप दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि माफ करिए, आदमी को तो हम काम पे रख सकते हैं, हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते। 150 किलो 160 किलो ऐसे वजन मेरे दोस्त हैं। फिर जब वो परेशान हो गए, नौकरी चली गई, घबरा गए, तब उन्होंने कहा आप बताओ क्या करें। तो मैंने कहा स्वामी जी का शिविर करो। तो उन्होंने कहा वो तो 7 दिन का हो गया, बेंगलोर में ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 7 दिन शिविर किया, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे नहीं होता, जितने दिन गए शिविर में उतने दिन हुआ, बाद में बंद हो गया। फिर कहता कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने कहा इतना ही करो, घूट घूट पानी पियो, इतना ही करो, और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। तो साल भर से ज्यादा है हुआ है, वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब किसी का वजन 160 किलो से 80 किलो हो गया, किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया, किसी का वजन 165 किलो से 85 से 90 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घटता है घूट घूट पानी पियो। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, उनका सभी पेट अंदर चला गया घूट घूट पानी। हाँ बहुत अच्छा सवाल है कि जो पहले से पतले हैं वो और पतले हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए,
आप जहाँ हैं वही स्थिर हो जाएंगे, उससे ज्यादा पतले नहीं होंगे। लेकिन जो हैवी हैं, मोटे हैं, उनके लिए तो ये इतनी रामबाण औषधि है कि आप घूट घूट पानी पीना शुरू कर दीजिए, साल भर में आपके रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। जी थायराइड करके हाँ, उनके लिए तो बात दूसरी, उनको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनको थायराइडिज्म नहीं भी है, हाइपर थायराइडिज्म नहीं भी है, फिर भी वेट उनका बढ़ गया है, उन सबके लिए ये रिजल्ट देता है। और मैं आपको एक दूसरी और ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं जिसको आप भी ऑब्जर्व करें। मनुष्य को छोड़कर जितने भी पक्षी और पशु हैं सब घूट घूट कर पानी पीते हैं। किसी चिड़िया को देखो पानी पीते हैं। चिड़िया पानी जब पीती है ना, एक ही बूंद उठाती है पानी, उसकी चोंच को धीरे धीरे चलाती है, फिर पीती है, फिर दूसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है, फिर तीसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है। इतना धीरज है उसमें पानी पीने के लिए कि वो आराम से 15-20 मिनट बैठकर एक एक ड्रॉप पानी पी लेते। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चीते को देखो, भालू को देखो, मैक्सिमम जानवर चाट कर पानी पीते हैं, या चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। इसलिए कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई कैंसर से नहीं मरता कभी, किसी को अनिद्रा की समस्या नहीं है, इंसोम्निया, रात को नींद सबको आती है, सब 6 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। सारे डिसीज और सारी तकलीफें आदमी को ही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें वो नहीं समझता। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि चिड़िया को किसने बताया पानी घूट घूट पीना, हमको तो बागवट जी बता के चले गए, चिड़िया को किसने बताया? इसका माने ये है कि बाई बर्थ उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये है कि नेचर ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि चिड़िया जन्म से ही इस बात को जानती है, या कुत्ता जन्म से ही इस बात को जानता है। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, उनका कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये नेचर का नॉलेज है, और नेचर के नॉलेज को वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं जिनको हम जानवर कह रहे हैं। और जो इंसान है वो नेचर की नॉलेज को कभी भी मानता नहीं है और पहचानता भी नहीं, और उसको हम होशियार कह रहे हैं, इंटेलिजेंट कह रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि आदमी बहुत होशियार है, क्या मूर्ख आदमी, इतनी सी बात नहीं जानता पानी घूट घूट पीने से। तो आप कहेंगे हमको किसी ने नहीं बताया, चिड़िया को किसने बताया? तो हम थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें, जानवर और पक्षियों की तुलना में हमारा नॉलेज बेस काफी कम है, उनका नॉलेज बेस हमसे थोड़ा ज्यादा है, और वो बराबर उसको पक्के तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप इस नियम को कोशिश करें कि आज से फॉलो करें, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, फायदे ही फायदे हैं। और इस नियम को पालन करने में सिर्फ आपकी हैबिट बदलनी है आपको, और कुछ नहीं करना। पानी को जो जैसे घटाघट पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम कम मात्रा में पीना। फिर आप कहेंगे बहुत समय लगेगा, मैंने वो भी करके देख लिया, पंजाब का जो गिलास होता है ना वो भारत का सबसे बड़ा गिलास है, उतना गिलास पानी पंजाब का एक गिलास तो आप जानते हैं आधे लीटर से भी ज्यादा का होता, उतना पानी मैंने एक एक चम्मच पी के देखा है, 3 मिनट ही लगता है बस एक एक चम्मच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन में 10 गिलास से ज्यादा तो कोई भी नहीं पी सकता। तो 30 मिनट एक दिन में आपको चाहिए पानी पीने के लिए, 24 घंटे का आपके पास दिन है, 30 मिनट आप नहीं निकाल सकते घूट घूट पानी पीने के लिए? कर सकते, बस ध्यान देने, और ध्यान देकर आप इसको शुरू कर। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस सूत्र पर कि कोसा पीना कि ठंडा पीना। यस, जूस भी घूट घूट पीना है, दूध भी घूट घूट पीना है, काढ़ा भी घूट घूट पीना है, जो भी लिक्विड चीज आप पियेंगे घूट घूट पीना, जिस चीज में पानी है सबको घूट घूट पीना। जूस की जगह फ्रूट क्यों नहीं खाया जी? जूस की जगह फ्रूट क्यों खा रहे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फल खाना जूस पीने से 100 गुना अच्छा है, फल खाना। क्योंकि फल जब आप खाते हैं तो फल के साथ जो फाइबर्स हैं वो सब पेट में जाते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो जूस में सारे फाइबर्स निकाल के बाहर चल डाल दिए जाते हैं। जूस से डकार दी जाती है, फ्रूट खाते खाते डकार जाती है। ये तो थोड़ी डिसीज की बात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आयुर्वेद में सभी वैद्यों ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है फल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा। तो आप कोशिश करिए फल खाएं। नहीं खा सकते कोई कारण से,
कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस पी लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा लें। जैसे हम अनार का रस निकालते हैं तो अनार का जो दाना है ना पीस लेंगे तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में, उसको दाल में डाल के खा जाइए, चावल में डाल के खा जाइए, नहीं तो खुद ऐसे ही खा लीजिए। संतरे का रस निकाला तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजिए। जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए, क्योंकि वही फाइबर है जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, आपके पेट को साफ करेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, क्योंकि वो झाड़ू और पोछे के जैसा है फाइबर। जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है ना जो सफाई करने में, सारा फाइबर आपके शरीर को साफ करता है, इसलिए फाइबर जाना ही चाहिए पेट में। अब जूस के साथ नहीं ले पाते तो पीछे से खा लीजिए, या पहले खा लीजिए बाद में जूस पी लीजिए, फाइबर होना ही चाहिए। दो सूत्र हो गए, केला सबसे अच्छा होता है सुबह, हर फल सुबह सबसे अच्छा है, दोपहर को थोड़ा कम अच्छा है, रात को बिल्कुल अच्छा नहीं। थोड़ा आगे बढ़े, तीसरे सूत्र की चर्चा कर ले। तीसरा सूत्र, समय अभी जा रहा है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर का समय आया। तीसरा सूत्र, कभी भी सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। कभी भी सवेरे सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए, माने दिन की शुरुआत पानी से करें। पानी गर्म के ठंडा, मैं बता रहा हूं, दिन की शुरुआत पानी से करें, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पिए। स्वामी रामदेव जी इसी सूत्र को दूसरी भाषा में कहते हैं उषा पान करें। उषा पान का मतलब ही है कि सुबह 4 बजे के आसपास उठना और उठते ही पानी पीना, दांत नहीं साफ करना, मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, पहले पानी पीना। दांत ही साफ करने हैं तो रात को साफ करके सोए, कुल्ला करना है तो रात को कुल्ला करके सोए, सुबह उठते ही पानी पिए। क्यों पीना है? दो कारण। पहला कारण है, रात भर आप सो गए तो मुंह में लार बन गई, वो इकट्ठी हो गई दोनों तरफ, भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो गई। अब आप उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी, और दांत साफ करने लगेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगी, थूकना पड़ेगा आपको। इसलिए उठते ही दांत साफ नहीं करना, मुंह नहीं धोना, पहले पानी पी लेना, ताकि सब लार अंदर चली जाए। सुबह की लार जो है ना बहुत एल्केलाइन है, बहुत ज्यादा। सुबह की लार का मैंने पीएच निकाला तो 8.4 के आसपास है, इतना एल्केलाइन। और ये इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली है सुबह की लार, कि कहीं भी आप इसको अप्लाई करिए, इसके मेडिसिनल रिजल्ट है। बहुत लोगों को आज के जमाने में खास खास बीमारियां हैं, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना। अगर किसी को भी ये बीमारी है तो उनको आप बोलिए सुबह सुबह की लार हाथ में लगा के ऐसे मालिश करना, हल्के 3-4 महीने करा दीजिए, डार्क सर्कल निकल जाते। किसी को आंखों में चश्मा है और वो हटाना चाहते हैं तो सुबह की लार को आंखों में लगाइए काजल की तरह से, आपका चश्मा उतर जाए। क्योंकि चश्मा आंख में लगता ही तब है जब आंख के लिक्विड की एसिडिटी बढ़ी हुई है, और ये लार एल्केलाइन है, ये एसिडिटी को ऐसे ही कंट्रोल कर लेता चश्मा उतार दे। सुबह की लार का और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, आप सुबह की लार उस पर अप्लाई कर दो, ठीक कर देगा। और कई तरह से इसका उपयोग होता है, जैसे किसी को कील मुहासे हो जाए, पिंपल्स हो जाए और बहुत खराब चेहरा हो जाए, उनको कहिए सुबह की लार लगा के मालिश करो, कील मुहासे का दाग भी मिटा देंगे। मैंने जले हुए का दाग मिटाया है, समय लगता है 3 साल। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको हाथ जल गया था, दूध, गर्म दूध से हाथ जल गया था, तो ठीक हो गया लेकिन निशान नहीं मिट रहा था। और उस पेशेंट, वो पेशेंट को जरूरी था कि वो निशान मिटना ही चाहिए। वो पेशेंट एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वाले सब परेशान थे कि ससुराल वालों ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप बता दो उनको। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें बताना नहीं। तो मैंने कहा सुबह की लार लगा लो, ठीक कर देगा। हाँ ठीक कर देगा, मैंने कहा कर देगा, इसमें मुफ्त का है, कुछ भी खर्चा नहीं, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, आप कर लो इसको। तो उसने किया, नियमित रूप से किया, 7 से 8 महीने में जले हुए का सारा निशान मिट गया, स्किन एकदम नॉर्मल हो गई। आपको कभी देखने में आया है कि जानवरों को जब भी चोट लगती है वो चाटने लगते हैं अपनी चोट, और चाट के ही ठीक कर लेते हैं?
तो जानवरों का भी यही कहानी है जो मनुष्य का है। जानवरों की लार भी एल्किलाइन है, क्षारीय है, और चोट को चाट कर वो ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। गाय अपने बच्चे को चाट चाट कर उसकी सारी बीमारी मिटा देती है, मनुष्य भी कर सकता है, बस इसमें थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है। मैंने बहुत पेशेंट पे इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक पेशेंट मेरे पास है, कैंसर का है, उसको कीमोथेरेपी हुआ, तो कीमोथेरेपी में आप जानते बाल बाल सब उड़ गए, लेकिन अभी वो ठीक स्थिति में है। अब उसको बाल वापस लाने हैं, तो मैंने कहा भाई लार लगाओ, तो वो लगा रहा है और धीरे धीरे नए बाल आ रहे हैं। तो सुबह की लार के बारे में मैंने बचपन में सुना था, मेरी दादी बोलती थी कि इसको थूकना नहीं तो पाप पड़ेगा, ऐसा बोलती थी मेरी दादी। अब वो उसको समझ में नहीं है भाई पाप पड़ेगा पुण्य होगा, मेरे अब समझ में आया वो क्यों बोलती थी पाप पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए कीमती है। तो इसलिए आप सुबह की लार के बारे में थोड़े कॉशस हो जाइए, इसको ब्रश करके पेस्ट करके थूकिए मत वॉश बेसिन में, कितना वेस्ट कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं गुटखा खाके तंबाकू खाके, जगह जगह थूक 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 थूक, तो शरीर शहर गंदा कर रहे हैं, शरीर का नुकसान। आपके शरीर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, आप भगवान का धन्यवाद करिए। मेरे पास दो पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर की लास्ट स्टेज में है और उनके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि उनकी लार ग्रंथियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब उनको चाय भी पिलाओ दूध भी पिलाओ तो सब बाहर आ जाता, कुछ भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि लार ही नहीं है उन्होंने। हैं दोनों करोड़पति, तो मुझसे कहते हैं कुछ बता दो कुछ बता दो, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो ज्यादा पैसा है आपके पास तो अमेरिका से इम्पोर्ट करो, लार का सैशे आता है अमेरिका में मिलता है, अमेरिका में कुछ कंपनियां हैं जो लार का बिजनेस करती है, वो मनुष्य की ही लार होती है, उसको जैसे शैम्पू का शैशे होता है ना उसमें भर के बेचती है, 5 मिलीग्राम का एक शैशे 10,000 रुपए का। तो वो दोनों कैंसर पेशेंट हर दिन 10 से 12 शैशे कंज्यूम कर लेते हैं, 60 से 70 हजार खर्च करते हैं, लेकिन स्थिति अगले दिन सुबह फिर वही हो जाती है, मुंह पूरे का पूरा सूखा रहता है। माने दूसरे की लार किसी दूसरे को काम नहीं आती, लेकिन वो अपने संतोष के लिए करते जरूर रहेंगे काम। तो भगवान ने आपको ये व्यवस्था दी है, इसको खराब मत करना। अब ये व्यवस्था खराब कहां होती है और कैसे होती है वो जरूर, लार बनना सबसे ज्यादा कम होता है तब जब आप कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें अपने मुंह में जो एंटी एल्किलाइन है। एंटी एल्किलाइन माने क्षार के विरुद्ध कोई भी वस्तु आप उपयोग करेंगे मुंह में तो लार का बनना कम होगा, उसका उत्पन्न कम होगा। अब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, आप जितने भी टूथपेस्ट करते हैं ये सब एंटी एल्किलाइन, ये सब आपकी लार की उत्पन्न करने की क्षमता को घटाते हैं। कॉलगेट हो, क्लोजअप हो, पेप्सोडेंट हो, सिबाका हो, फॉरहंस हो, सारे के सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो एल्केलिनिटी को घटाते हैं। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी लार बनना कम हो जाएगी पेस्ट करने से। और पेस्ट में ऐसा क्या है जो लार को घटाता है, पेस्ट में केमिकल मिलाया जाता है उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट को जहर माना जाता है दुनिया में, ये थोड़ी भी मात्रा में जीभ पर आप डाल दें तो लार ग्रंथियों को सुखा देता पूरी तरह से। इसलिए दुनिया में जो भी सेंसिबल डॉक्टर्स हैं दांतों के डेंटिस्ट वो सब ब्रश करते हैं, ब्रश को कभी पेस्ट नहीं लगाते। अमेरिका यूरोप के बहुत सारे डेंटिस्ट को मैं जानता हूं थ्रू ईमेल, और मैं उनसे बार बार पूछता हूं आप क्या करते हो, पेशेंट को क्या बताते हो आप क्या करते हो, वो कहते हैं वी डू नॉट यूज एनी टूथपेस्ट, हम नहीं यूज करते, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों? वो कहते तुमको नहीं मालूम लार बनना कम हो जाता है। तो मैं पूछता आप करते क्या, तो उनका खाली ब्रश रगड़ते हैं, पेस्ट नहीं लगाते उसमें। और अमेरिका में तो आपको मालूम है कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सभी टूथपेस्ट पर वार्निंग प्रिंट होती है, स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, उस पर लिखा होता है प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये कॉलगेट नहीं देना। सेकंड स्टेटमेंट होता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से बच्चे ने ये पेस्ट कर लिया तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना उसको। थर्ड वार्निंग होती है इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश एट योर ओन रिस्क इन पी साइज, पी साइज माने चने या मटर के दाने से भी छोटा, इतनी सी मात्रा में ही ब्रश पर पेस्ट लेना, वो भी अपने रिस्क पर लेना। इतनी शार्प वार्निंग प्रिंट होती है टूथपेस्ट में।
हिंदुस्तान में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। टीवी में दिखाते हैं ब्रश भर भर के पेस्ट, अमेरिका में कहते बिल्कुल थोड़ा सा ले, क्योंकि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है और वो आपकी लाल उत्पादन क्षमता को खत्म कर देगा, तो थोड़ा सा ही लेना। हमको टीवी बताता ब्रश भर भर के लेना और दिन में तीन तीन बार लेना, सुबह भी लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना। तो ये टीवी के जो एडवर्टीजमेंट है जिससे हम फंसे हैं, इसमें से बाहर निकलिए। जो सेंसिबिलिटी है और आपकी इंटेलिजेंस है उसका यूज करिए। लार को बढ़ाने वाली चीजों से दांत साफ करिए, ना कि घटाने वाली चीजों से। तो आप बोलेंगे कौन सी चीजें हैं जो लार को बढ़ाती है? नीम का दातुन सबसे ज्यादा लार बढ़ाता है, करके देख लीजिए। नीम के दातुन को जैसे ही आप दांत के बीच में फंसाएंगे तुरंत लार बनना शुरू हो जाए। नॉर्मल जितनी बनती है उससे तीन गुना ज्यादा बनेगी, करके देखिए। और जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे लार का प्रोडक्शन बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसलिए बेस्ट क्वालिटी है नीम का दातुन। ऐसे ही बबूल का दातुन, बबूल का दातुन जितना चबाएंगे लार का उत्पादन उतना ही बढ़ेगा। फिर आप बोलेंगे नीम का दातुन चबाते समय लार को क्या करना, पीते रहिए उसको, थूकिए मत। आपको इतनी क्वालिटी है उसमें, एक तो नीम का रस आ गया, ऊपर से लार भी है, दोनों बेस्ट एल्कलाइन प्रोडक्ट है। नीम के दातुन को चबाते हुए जो लार को पी सकते हैं, मैं उनको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, जिंदगी में डायबिटीज कभी हो नहीं सकती। अर्थराइटिस होगा नहीं कभी आप, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी नहीं ब्लड की, एल्कलाइन रहेगा ब्लड, और ब्लड एल्कलाइन रहेगा तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नीम को भारत में दातुन के लिए सबसे अच्छा माना है। तो नीम का दातुन करिए, बेस्ट है। कभी भी नहीं पीना, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, नहीं पीना। क्यों? आप उसको समझ लीजिए, बात ऐसी है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो गर्म पेट में ठंडा पानी जाता है, पेट आपका गर्म है, पानी ठंडा है, तो अंदर जाके झगड़ा होगा। या तो पेट पानी को गर्म करता है या पानी पेट को ठंडा बनाता है। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपने बहुत ठंडा पानी पिया है और पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के जैसे ही ठंडे होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा आपका, क्योंकि पेट और हृदय का आपस में कनेक्शन है। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा आपका, ब्रेन, और मस्तिष्क के ठंडे होते ही शरीर ठंडा हो जाएगा, और शरीर के ठंडा होते ही आपको घर के बाहर निकाल के फेंक देंगे वो सब लोग जो आपको लिपट कर प्रेम करते हैं, वो सब आपको छूना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि शरीर ठंडा हो गया। और वो एक ही बात बोलेंगे, जल्दी लेके जाओ, इसको हटाओ, क्यों रखा हुआ है, अंतिम संस्कार करना है उसका, क्योंकि शरीर ठंडा होते ही राम नाम सत्य होते। तो आप क्यों ये शरीर को ठंडा बनाना चाहते हैं पानी पीते हुए? मत करिए ये गलती। अब इसका दूसरा पार्ट है जो मैं समझाना चाहता हूं आपको। जब बहुत ठंडा पानी हम पीते हैं तो होता क्या है कि पेट पानी को गर्म करता है, उसको जिंदा रखना है आपको, तो एक सिस्टम बना रखा है भगवान ने। आप बहुत ठंडा पानी पिएंगे पेट पानी को गर्म करेगा, लेकिन गर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? ब्लड में से आएगी, रक्त में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट की तरफ जाएगा पानी को गर्म करने। अब थोड़ी देर आप इमेजिन करिए कि सारे ब्रेन का ब्लड हमारे पेट में चला गया, हार्ट का ब्लड पेट में चला गया, इंटेस्टाइन का ब्लड पेट में आ गया, तो हरेक ऑर्गन को ब्लड की कमी आएगी। ब्रेन को कमी आएगी, हार्ट को कमी आएगी, इंटेस्टाइन, ब्रेन को तीन मिनट अगर ब्लड सप्लाई रुक गया या कम हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को एक से डेढ़ मिनट अगर सप्लाई रुक गई तो हार्ट डेड हो जाता है। बाकी सभी ऑर्गन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ठंडा पानी पीना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कभी मत पीजिए। और एक समस्या होती है, जब बहुत ठंडा पानी आप पीते हैं तो हमारे पेट का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा आंत जहां पर एक्सक्रीटा है, मल है, वो बंद हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा होता है पाइप के जैसा, खुले हुए पाइप के जैसा। जब ठंडा पानी पीते हैं तो ये बंद हो जाता है, ऐसे। अब होगा क्या कि बहुत ठंडा पानी पी के लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपका श्रिंक कर गया, बंद हो गया, तो सुबह जब आप टॉयलेट में जाएंगे तो एक एक घंटे बैठना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बंद है, स्टूल ही पास नहीं होगा।
सारी ताकत लगानी पड़ जाएगी आपको, फिर भी स्टूल पास नहीं होगा, माने कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में मदर डिसीज कहते हैं। सभी बीमारियों की मां है कब्जियत। आपको एक बीमारी आ गई कब्जियत, तो सारी बीमारियां आएंगी जिंदगी में, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ठंडा पानी पीने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है लार्ज इंटेस्टाइन के श्रिंक होने का, माने कब्जियत होने का। इसलिए आप ये गलती मत करिए कभी। मैंने मेरी आंखों से देखा है, अमेरिकन और यूरोपियन लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं कि हम सोच नहीं सकते। अमेरिकन यूरोपियन लोग तो क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रख देते हैं, 5-6 दिन रखा रहता है, खूब ठंडा होता रहता है, फिर पानी को निकालते हैं, फिर आइस क्यूब डालते हैं उसमें, बर्फ के टुकड़े, फिर पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है, जो भी अमेरिकन यूरोपियन लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर नहीं आते। कुछ लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं टॉयलेट। उनको पूछोगे भाई क्या करते हो 1 घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते। अब टॉयलेट रूम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं बनाया, तो कहते क्या बताए, स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, तो न्यूज़पेपर पढ़ के टाइम पास करना पड़ता है। एक अमेरिकन को मैंने एक बार पूछा कि आपके टॉयलेट रूम में ये कमोड सीट क्यों लगाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं लगाते, तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि इंडियन स्टाइल वाला जो टॉयलेट पॉट है उस पर 5 मिनट बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठने की जो पोजीशन है वो 5 मिनट में ही थका देती है, हमको 2-2 घंटे बैठना है, इसलिए हम कुर्सी जैसा ये कमोड बना लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस दिन मेरे समझ में आया कि अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी क्यों होती है, सारे अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगी, किताबें मिलेगी, ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगी, डाइनिंग रूम में नहीं मिलेगी, बेडरूम में नहीं, टॉयलेट रूम में सारी किताबें मैगजीन, क्योंकि उनको टाइम पास करना। मुझे कभी कभी उनका मजाक करने का मन करता है, वो बेचारे कितने परेशान होते होंगे, सारी ताकत लगाते होंगे, आ ऊ ए सब करते होंगे, लेकिन स्टूल पास नहीं होता, फिर गाना गाते होंगे, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी फिर भी नहीं आती, फिर उससे भी ज्यादा जब परेशान हो जाते होंगे तो दूसरा गाना गाते होंगे, एक बार आजा 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 फिर भी नहीं आती, ये सारी समस्याएं उनकी जिंदगी में। और इन समस्याओं का जो रूट कॉज है वो चिल्ड वाटर है, ठंडा पानी। आप मत गलती करना, ये वो गलती कर रहे हैं उनको करने दो, उनका उनको मुबारक, हमें हमारे जीवन को थोड़ा ठीक रखना है। आप कभी भी ठंडा पानी मत पीना। फिर आप बोलेंगे घड़े का पानी पी सकते हैं, हाँ मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा नहीं है। ठंडे पानी की परिभाषा मैंने बताई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर का सभी पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े का पानी का जब भी आप टेम्परेचर नोट करेंगे वो 35 डिग्री 36 डिग्री 34 डिग्री 33 डिग्री ऐसे आता है, और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री, इसलिए मिट्टी के घड़े का पानी और आपका शरीर दोनों लगभग बराबर गर्म है। इसलिए आप कभी भी मिट्टी के घड़े का पानी पीना, फ्रिज का मत पीना, बर्फ डाला हुआ मत पीना। इमरजेंसी कितनी भी होने दो, आप टैप वाटर पी लेना, नल का पानी सीधे पी लेना, ठंडा पानी। ये चौथा नियम है और आज का आखिरी नियम है। तो मैंने आज आपको 4 नियम बताए हैं, इन नियमों के आधार पर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो जरूर पूछिए, मैं आधा घंटे का समय देता हूं, और आपको लगेगा तो और आधा घंटे उसको एक्सटेंड करूंगा। 4 नियम अभी तक मैंने बताए हैं, जो समझ में नहीं आए तो पूछे, ज्यादा समझ में आए हैं तो दूसरों को बताएं। हाँ, एक प्रश्न आ गया, दूध पीने का समय कितनी देर बाद खाने की, रात को खाना खाते ही कभी भी दूध पी सकते हैं, तुरंत आप दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप सोने जा रहे हैं उस समय पिएंगे तो और अच्छा है, लेकिन खाने के तुरंत बाद अगर आपको कुछ भी लिक्विड पीने की इच्छा है तो दूध पीकर उस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, वो कल बताऊंगा, नमक का बहुत फर्क होता है, लेकिन कल बताऊंगा उसको, आज सिर्फ इतना जान लीजिए कि दूध तुरंत खाने के बाद रात को पिया जा सकता है। अब किसी ने सवाल पूछा है कि विदेशों में दातुन नहीं होती है तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना शुरू करिए।
कुछ तो फायदा मिलेगा इस देश को, एक दातुन एक डॉलर में भी बिकेगी तो अपने किसानों को कितना लाभ मिलेगा, या आधे डॉलर में मिलेगी तो कितना लाभ मिलेगा। हाँ, दंत भंजन तो मिल ही जाएगा अमेरिका में, दिव्य दंत भंजन तो स्वामी जी ने शुरू करा दिया। तो इसलिए अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश के बहुत सारे दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उनको कहिए कि दंत भंजन मिलता है और दातुन चाहे तो यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती है। दातुन सबसे अच्छा नीम का है, उसके अलावा दूसरा सबसे अच्छा मैंने बोला बबूल का, तीसरा सबसे अच्छा दातुनों का करंज का, चौथा सबसे अच्छा करंज। करंज एक पेड़ होता है, आप नहीं जानते क्योंकि आपके एरिया में नहीं होता, ये करंज का सारा पेड़ होता है बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, पांच छह राज्यों में। जो नहीं होता आप उसको छोड़ दीजिए, आप पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छा दातुन नीम का, दूसरे नंबर पे बबूल का, तीसरे नंबर पे करंज का, चौथे नंबर पर एक पेड़ होता पाकड़ का, पांचवें नंबर पर जो पेड़ है वो है आपके बहुत आसपास में होने वाला आम का पेड़, तो आप सभी जानते हैं। फिर छठे नंबर पे जो सबसे अच्छा दातुन है अमरूद का। अमरूद और आम के बारे में एक जानकारी दे दूं, आपके घर में आम का अगर पेड़ है या अमरूद का पेड़ है तो एक पत्ता तोड़ लीजिए एक या आधा और उसको चबाइए, खूब लार बन जाती है और चबाते चबाते उसका चटनी जैसा बन जाएगा, उसी चटनी से दांत घिस लीजिए, ठीक है, और फिर पानी सहित उसको पी जाइए। हैं? हाँ, गन्ने से तो बहुत दांत साफ होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, अगर घर में आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, आधा पत्ता तोड़िए आम का या अमरूद का, मुंह में चबाइए, चटनी बन गया, दांत पे घिस लीजिए, पानी के साथ पी लीजिए, दो फायदे एक साथ, दांत तो एकदम साफ कर ही देगा, पेट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं आने देगा। तो आम के पत्ते से, माने आम के डंडे से भी दातुन होता है, अमरूद के भी डंडी से दातुन होता है, और दातुन वाला एक पेड़ है बहुत अच्छा जिसको मीठा नीम कहते हैं, मीठा नीम, कड़ी पत्ता, उसका भी बहुत अच्छा दातुन होता है। कड़ी पत्ते को चबा लीजिए, फिर उसका लुक भी बनेगा चटनी, उससे दांत साफ कर लीजिए। और आखिरी पेड़ है जो दातुन के लिए यूज हो सकता है, पीपल का। पीपल और बरगद दोनों को एक ही कैटेगरी में, तो भारत देश में 10 से 12 पेड़ माने जाते हैं जिनके दातुन सबसे अच्छे हैं। और इन दातुनों के हर महीने का समय है, नीम का दातुन इस महीने में सबसे अच्छा है, बबूल का इस महीने में सबसे अच्छा है, फिर करंज का इस महीने में, वो बड़ा एक लंबा चैप्टर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि नीम तो आपके पंजाब में होता है, बबूल आपके पंजाब में होता है, आम आपके पंजाब में होता है, अमरूद आपके पंजाब में होता है, पीपल भी आपके पास है, बरगद भी, कम से कम 6 पेड़ तो है दातुन करने वाले, और दंत मंजन आपके पास है। शीशम है आपके यहाँ? अगर शीशम है तो उसका भी ले सकते हैं। मौलश्री का भी यहाँ दातुन होता है, मौलश्री अगर होता ठीक है तो बबूल ही हो गया, मौलश्री और शीशम अगर दोनों पेड़ आपके आस पास है तो ये भी दातुन में यूज होते हैं। और कोई प्रश्न? मेरे पास जो प्रश्न आए उसका उत्तर दे दिया। अब देखिए, मेडिसिन डिसीज दोनों को आप आज मत पूछिए क्योंकि इसके लिए मैंने पूरा दिन ही रखा है, 30th और 29th को मैं यही बताऊं। आज तो आप उतने प्रश्न करिए जो चार सूत्र मैंने बताए, चार नियम मैंने बताए, उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड। आज के सूत्रों पर जो भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, जरूर पूछिए। एक चूना जो आपने बताया है ना, हाँ बहुत अच्छा, चूना जो आपने बताया है वो घुटनों के लिए भी ठीक है? सबके लिए अच्छा, जॉइंट्स के, हर पेन के लिए अच्छा। आपने एक सवाल पूछा, बच्चे को पानी कब से पिलाना चाहिए? बच्चों को पानी पिलाने का उम्र है 3 महीने के बाद, 3 महीने तक कभी भी किसी भी बच्चे को बाहर का पानी मत पिलाइए। क्यों? 3 महीने तक उसके पानी की जरूरत माँ के दूध से ही होती रहती है, 3 महीने के बाद फिर उसको पानी की जरूरत। हूं भी सीधा वो बिहार तो इतने आ रहे ने, बिहार तो ट्रेन तो आए, जो रिसीव करन गया ते नाल दो वड्डे वड्डे बक्से से, मैं बक्सें की है, कहते क्या करूं घर जाने का टाइम ही नहीं मिला, यानी कि उसे दवाइयां तकरीबन 300 to 350 पेशेंट डेली है बिहार के देख रहे थे, तो घर जाए बिना। वैसे तो ब्रह्मचारी ने, स्वामी जी भी ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, तो यह भी ब्रह्मचारी ने सारी उम्र इन्होंने देश की सेवा करने का ही प्रण लिया है, तो अपने पूरे ग्रुप के नाल देश की सेवा कर रहे हैं। तो हूँ पिछे जो भुवनेश्वर के स्वामी जी ने इन्हों राष्ट्रीय चेतना प्रभारी भी साडा बना दिता है, तो
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਨਾਇਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮੈਡਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਕਪੂਰ ਆਰਮੀ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 1 ਤੇ ਸਕੁਆਡਨ ਲੀਡਰ ਮਿਸਿਸ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਮਿਸਿਸ ਆਈ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਮਿਸਿਸ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਿਸਿਸ ਅਨਮੋਲ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਲਵੰਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖੰਘ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਟਪਟਾ ਚੂਰਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕਸ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਲੱਠੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲੱਠੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਣ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਘਣਾ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਇਆ, 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠਾ।